वेलकम फ्रेंड्स, दिस जुल्फिकार मोहम्मदी, लेक्चरर इंग्लिश, टीचर्स कोच एंड वर्ड्स ओरिजिन एनालिस्ट। आज फिर आपके पास आ गया हूँ कुछ वर्ड्स लेके, इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स हैं। एनरिच योर वोकैबुलरी विद जुल्फिकार मोहम्मदी। तैयार हो जाइए कुछ नए और अजीब से वर्ड सुनने के लिए इंग्लिश में, जो आपकी वोकैबुलरी को जरूर एनरिच करेंगे। सो गेट रेडी फॉर दिस एंड कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अभी हाल फिलहाल में हमारे कोर्ट ने इच्छा मृत्यु का मतलब एक ऑर्डर दिया है, जिसे किसी मरीज को या किसी को मतलब इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, मतलब डॉक्टर्स के कहने से उसे एक पेनलेस डेथ दी जा सकती है। इसको इंग्लिश में बहुत सारे लोग मर्सी किलिंग कहते हैं। दिस इज नॉट राइट, दिस इज यूथनेशिया। इच्छा मृत्यु यानी कि यूथनेशिया, 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 इच्छा मृत्यु, मौत बरज़ा इसको उर्दू में बोलते हैं। चलिए अब दूसरे वर्ड पे आते हैं। दूसरा वर्ड है फॉक्स, FAQX। फॉक्स मतलब फेक होता है, नकली, नॉट जेन्युइन। इसको आप कह सकते हैं, इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज अ फॉक्स डॉक्यूमेंट, दिस इज अ फॉक्स डॉक्यूमेंट। इस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस फॉक्स से ही रिलेटेड मैं आपको दो वर्ड्स और बताने जा रहा हूँ। एक वर्ड तो हमारा कर्नाटक चुनाव से संबंधित है, काफ़ी अजीब सा रहा। हमारे बीजेपी के जो चीफ हैं अमित शाह जी हमारे, उन्होंने कुछ येदियुरप्पा जी के बारे में कुछ कह दिया, हालांकि वो उन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट थे। अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर आई और उसमें हेडिंग थी फॉक्स पास, फॉक्स पास, फॉक्स पास। ऐसी गलती होती है जो पब्लिक में कर दी जाए और जिसका डैमेज बाद में कंट्रोल ना किया जा सके, इसको बोलते हैं फॉक्स पास। ऐसी गलती जो अक्सर नेता ड्यूरिंग द स्पीचेस कर देते हैं, उसको फॉक्स पास बोला जाता है। मेरे ख्याल से फॉक्स पास आपको समझ में आ गया होगा। एंड लेट मी टर्न टू द थर्ड वर्ड। द थर्ड वर्ड इज फॉक्स एमी, फॉक्स एमी। फॉक्स एमी का मतलब होता है, फॉक्स मतलब मैंने आपसे बता दिया है फेक यानी कि नॉट जेन्युइन, और एमी मतलब फ्रेंड यानी कि फॉल्स फ्रेंड। फॉक्स एमी मतलब फॉल्स फ्रेंड, फेक फ्रेंड, किसी भी तरह से वो दोस्त जो सिर्फ नामचारे के लिए दोस्त होते हैं फॉक्स एमी कहलाते हैं। एंड माई फोर्थ वर्ड इज गैफे, गैफे। ये भी कर्नाटका चुनाव से संबंधित है। अमित शाह जी ने जब वो फॉक्स पास किया था येदियुरप्पा जी के बारे में, उसके अगले ही दिन एक ट्रांसलेटर ने एक गलती कर दी और उसने हमारे शाह जी के बयान को कुछ और पढ़ दिया। यहाँ पर मैं एक बात आपसे बता दूँ कि इसे पॉलिटिकल नज़रिए से बिल्कुल ना देखें, मैं सिर्फ न्यूज़ में जो वर्ड्स हैं उन्हीं के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ऐसा मेरा कोई नज़रिया नहीं है एंटी बीजेपी या प्रो बीजेपी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था गैफे, गैफे। अगले ही दिन ट्रांसलेटर ने एक गलती कर दी और ड्यूरिंग द स्पीच पब्लिक के दरमियान उन्होंने कुछ गलत लफ्ज मोदी जी के बारे में बोल दिए। अगले दिन फिर इंडियन एक्सप्रेस ने हेडिंग बनाई नाउ अ गैफे। गैफे भी वही गलती होती है जो पब्लिक के दौरान ड्यूरिंग द स्पीचेस हो जाती है, और एक बहुत बड़ी गलती। दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज नॉट एन एरर, दिस इज अ ब्लंडर। तो ऐसी गलती जो ड्यूरिंग स्पीच होती है गैफे या फॉक्स पास कहलाती है। एंड कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वर्ड, दिस वर्ड इज बिहीमोथ, बिहीमथ, बिहीमथ। बस मैं आपको इसका मीनिंग भी नहीं बताऊंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत आसान रहेगा। विलियम शेक्सपियर वॉज ए बिहीमथ ड्रामेटिस्ट। क्लियर हो गया होगा आपको बिहीमथ किसे कहते हैं। ग्रेट के लिए, बहुत अच्छे के लिए आप बिहीमथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहीमथ, बिहीमथ, बिहीमथ। विलियम शेक्सपियर वॉज ए बिहीमथ ड्रामेटिस्ट। आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा जानने का इंतजार करूंगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ेड मोहम्मदी। खुदा हाफ़िज़।